भेड़िया मूवी जब रिलीज हुई थी तब इन लोगों ने बोल दिया था कि ये मूवी राजकुमार राव की स्त्री मूवी से कनेक्टेड है, बट मूवी का बजट था जनरली 60 करोड़, बट मूवी का बॉक्स ऑफिस जो नंबर आया वर्ल्ड वाइड वो था 90 करोड़। मतलब ऑडियंस ने उतना मूवी को चांस नहीं दिया था। मैं भी उस टाइम नहीं देख पाया था क्योंकि मेरे को कुछ जरूरी काम था और एंड समहाउ नो मैंने मूवी को मिस कर दिया था। सो थैंक्स टू जियो सिनेमा दैट दे हैव रिलीज्ड द मूवी भेड़िया फॉर फ्री। एंड इफ यू टॉक यू नो आफ्टर वॉचिंग द मूवी व्हाट आई फेल, द मूवी इज गुड और द मूवी इज बैड, लाइक द ओवरऑल फीलिंग इफ आई हैव टू टेल, आफ्टर वॉचिंग द मूवी आई फेल द मूवी इज गुड, द मूवी इज नॉट एट ऑल बैड, बट द मूवी कुड हैव बीन अ मास्टरपीस लेवल मूवी। अगर इन भेड़िया के मेकर्स लोगों ने कुछ ऐसे चीज़ों में ध्यान दिया होता और थोड़ा बहुत और एफर्ट डाला होता मूवी मेकिंग में, ठीक है ना, मूवी का जो VFX वगैरह था वो 500 करोड़ के बजट के हिसाब से, सॉरी 60 करोड़ के बजट के हिसाब से खतरनाक लेवल के थे। मतलब भी शॉट आपको भेड़िया मूवी में देखने को नहीं मिलेगा, और जब वरुण धवन भेड़िया में ट्रांसफॉर्म होता है एक भी शॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पर ना आपको लग रहा है कि बहुत ही एवरेज शॉट है, बहुत ही चीप शॉट है, मतलब चीप तरीके से शूट किया गया है या पैसा VFX में इन्वेस्ट नहीं किया गया। मतलब CGI वगैरह बहुत ही खतरनाक लेवल का है, मतलब जितना भी सिक्वेंसेस दिखा है उतना खतरनाक लेवल का दिखा है इन लोगों ने। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस मूवी को थोड़ा बहुत ख़राब बना देती है, एक मास्टरपीस लेवल से एक एवरेज और अप टू गुड और वन टाइम वॉच बना देती है। अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो मूवी का जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ जनरली बहुत ही एवरेज है। मतलब फर्स्ट हाफ देखते देखते मतलब जब एक घंटा मूवी का होता है उसके बाद ही जनरली मूवी स्टार्ट होता है, और एक घंटे तक इन लोगों ने मूवी को सेटअप किया और जो कि पे ऑफ होता है एंड में। मतलब अगर मास ऑडियंस इस एक घंटे को टॉलरेट कर सकती थी और इग्नोर कर देती है तो सेकेंड हाफ में आपको जो है ना पे ऑफ मिलेगा, और जो स्टोरी इवॉल्व होता है इतना जल्दी इवॉल्व होता है, स्क्रीन प्ले जल्दी इवॉल्व होता है कि आपको मज़ा आ जाएगा सेकेंड हाफ में। अगर फर्स्ट हाफ में हम बात करें जो दो सॉन्ग्स हैं, ठीक है, फर्स्ट हाफ में बहुत ही मिसप्लेस्ड सॉन्ग है। मतलब आपको पहले वो बाकी सब ठीक है सॉन्ग नहीं देना चाहिए, क्योंकि वरुण धवन हैज़ जस्ट मिस्ड हिज ओल्ड फ्रेंड एंड आफ्टर दैट यू जस्ट स्टार्टेड वन सॉन्ग एंड आफ्टर दैट अनदर सॉन्ग इज देयर, मतलब वो भी बहुत ही मिसप्लेस था, मतलब सॉन्ग की जरूरत नहीं थी। वही है कि मतलब इन लोगों ने एंटरटेनिंग बनाने के चक्कर में फास्ट हाफ को बहुत ही घटिया कर दिया है, ठीक है। कॉमेडी वगैरह वो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा क्योंकि फास्ट हाफ में कॉमेडी बहुत ही डल है, और आपको बीच बीच में फील होता लगेगा कि ना थोड़ा मोबाइल चेक कर लूँ मैं, या आपको लगेगा कि अच्छा चल रहा है चलने दो। मतलब ऐसा कुछ हो नहीं रहा था फास्ट हाफ में जो कि आपको यू नो एंगेज करके रखे और एज ऑफ द सिट रहे कि यू नो क्या होने वाला है, लेट्स फोकस। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, इसलिए ना फास्ट हाफ इन लोगों ने बहुत ही डल बनाया है। अगर ये बटी ना मूवी जब सेकंड हाफ में आते हैं, मतलब एक घंटे के बाद आप मूवी का हर एक शॉट देख लो, मतलब कुछ ना कुछ होते जा रहा है, ठीक है, और स्क्रीन पर उस टाइम में बहुत ही इंगेजिंग है। मतलब स्टोरी लाइन भी इन लोगों ने खतरनाक तरीके से एग्जीक्यूट किया है सेकंड हाफ में, स्क्रीन प्ले इज ऑल्सो वेरी मच इंगेजिंग, और डायलॉग्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, और गाना एक दो गाना है जैसे रोमांटिक गाना है अरिजीत सिंह का अपना बना ले, वो भी बहुत ही अच्छी जगह पे इन लोगों ने प्लेस्ड किया है। मतलब ये सब चीज़ों को देख के सेकंड हाफ मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। मतलब भेड़िया के कंसेप्ट से जो आप एक मूवी एक्सपेक्ट करते हो वो सेकंड हाफ में इन लोगों ने पूरा डाल दिया है, मतलब सेकंड इन लोगों ने पूरा 100% दिया। तो वही मतलब सेकंड हाफ बहुत ही अच्छा किया, लेकिन फर्स्ट हाफ में इन लोगों ने इतना डल कर दिया है कि मूवी का जो ओवरऑल फील था फर्स्ट हाफ में डैमेज कर दिया। और एक चीज़ इन लोगों ने बहुत ही घटिया किया है जो क्लाइमैक्स में इन लोगों ने कैमियो डाला है स्त्री यूनिवर्स से, एक कोई स्पॉइलर नहीं है, ठीक है, मतलब सबको पता था, मतलब वो सही है, लेकिन उसके बाद एक और इन लोगों ने 2 मिनट का कुछ दिखाया है जो कि मेरे को लगा अगर इसको आपको दिखाना ही था तो आपने आपका जो ना स्टोरी का जो मेन इमोशन था, मतलब क्लाइमैक्स में आते आते जो आप एक ऑडियंस के अंदर भी बिल्ड होता है, एक इमोशन बिल्ड होता है जिसके वजह से ऑडियंस को अच्छा लगता है, उसको ही आपने पूरा किल कर दिया। मतलब जब आपको कैमियो के बाद आपको और एक सीन दिखेगा आपको लगेगा अगर ऐसा हो सकता है तो मतलब पूरा स्टोरी का जो इमोशन था उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है हम लोगों के पास। वही होता है जब आप समझते हो कि ना ऑडियंस जंप है और ऑडियंस को खुश करने के लिए हम लोग कुछ भी कर देंगे, ठीक है, और इस घटिया चीज़ों से ऑडियंस एंटरटेन भी हो जाएगी। यही जब आप सोचते हो ऑडियंसेस के बारे में तभी मूवी ना फ्लॉप होती है। ऑडियंस को आपको कभी भी ना डम नहीं समझना चाहिए, आपको करना चाहिए जो आपको लगे कि नहीं बहुत ही अच्छा होगा स्टोरी लाइन की वजह से और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तब मूवी हिट होता है। अगर ये लोग स्त्री का जो है ना कैमियो वगैरह है तो उसके बाद अगर इन लोगों ने मूवी ख़त्म कर दिया होता तभी अच्छा रहता, लेकिन अदरवाइज सेकंड हाफ आप बहुत ही एंजॉय करोगे। अगर सेकंड हाफ जनरली फर्स्ट हाफ होता और उसके बाद और कुछ इंसिडेंट्स वगैरह दिखाते ये लोग तब मज़ा आ जाता, ठीक है। वही मेरे को बोलना था कि मूवी मास्टरपीस बन सकता था लेकिन बनते बनते रह गई, मतलब कॉन्सेप्ट को इन लोगों ने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया, और ट्रेलर और टीजर वगैरह बहुत ही अच्छे थे, VFX भी अच्छा था, लेकिन एक्शन सेट पीसेस और 2-3 देना चाहिए था, और थोड़ा बजट इन्वॉल्व करना चाहिए था इस मूवी में, और फास्ट हाफ को थोड़ा बहुत एंगेजिंग बनाना चाहिए था, और क्लाइमैक्स के में वो जो है ना कैमियो के बाद इन लोगों ने एक चुतियाप्पा किया है उसको अवॉइड करना चाहिए था, अगर उसको ये लोग नहीं करते तो मूवी का एक फील बना रहा था ऑडियंस के अंदर। वही मेरे को बोलना था। दिस इज इट अबाउट द यू नो भेड़िया मूवीज़।
एनालिसिस। अगर आपकी कुछ ओपिनियन है तो आप कमेंट में बोल सकते हो मेरे को मूवी आपको कैसा लगा, आपको ये चीज़ अच्छा लगा या ये चीज़ बुरा लगा, आप कमेंट में बता सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, न्यू चैनल है, ठीक है। और इधर एक आपको और वीडियो देखने को मिल जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।